हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इसरो का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स एंड अपर डिवीजन क्लर्क्स के लिए। 313 वैकेंसीज हैं। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसरो की रिक्रूटमेंट है इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। बहुत कम लोग एक पेपर देते हैं और लास्ट ईयर ये पेपर बहुत ही आसान था। प्रीवियस पेपर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो एक बार उसे ज़रूर देख लें। पेपर में कोई भी पजल नहीं आई थी, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था, बहुत आसान सी जीके थी, बहुत आसान सा इंग्लिश अवेयरनेस का सेक्शन था, बहुत आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास बीई या बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं हो, बीकॉम बीए साइंस ग्रेजुएट ये सब एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले देख लें वैकेंसीज जो हैं इन सेंटर्स में हैं इसरो के। सबसे पहले असिस्टेंट की वैकेंसीज जो हैं ये अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पे पोस्ट हैं 272। और बेंगलुरु में अपर डिविजन क्लर्क के लिए पोस्ट है और असिस्टेंट जो इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ये उनके लिए पोस्ट है, राइट। तो ये टोटल देख लीजिए आपकी बन जाती है 313 पोस्ट जो है वो इन टोटल हैं। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पोस्ट वन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे, टू के लिए भी और थ्री के लिए भी। एंड अप्लाई करते हुए आपको ये जो सेंटर्स है वो लिखने पड़ेंगे कि आप कौन से सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप एक टाइम पे दो सेंटर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अगर एक पोस्ट में आप अलग अलग पोस्ट में अलग अलग सेंटर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप अहमदाबाद के लिए अपने अप्लाई कर दिया तो श्रीहरिकोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन विद फर्स्ट डिविजन और फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। आर्ट्स बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी ये सब जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन जो बीई और बीटेक ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है कि बीई और बीटेक जो है ये बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, बीई और बीटेक जो है बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और 60% के साथ ये बाकी के ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो इन्होंने लिखी है दैट इज 26 इयर्स एज ऑन 31st of July 2017, ये जनरल के स्टूडेंट्स के लिए है, जबकि एससी एसटी के लिए ये डेट ये एज जो है 31 इयर्स का लिमिट है और ओबीसी के लिए ये 29 इयर्स है, जनरल के लिए 26 इयर्स ही है। आगे चलते हैं, जो एप्लीकेशन है उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। एंड दूसरा पॉइंट, एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये ही है और एससी एसटी या कह लीजिए कि ऑल वुमेन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या एससी एसटी एक्स सर्विस मैन है या पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, उन्हें कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन करने की अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो है 11 तारीख से लेके 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लिंक पे जाइए और अप्लाई करिए, राइट। 100 रुपये सिर्फ फीस है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये की। एंड मैं कहूँगा 100% आप ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स 9 सेंटर्स हैं वहाँ तक अगर आप जा सकते हैं तो। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है 15 अक्टूबर को पेपर होगा संडे वाले दिन। जो टेस्ट सेंटर हैं ये है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम। तो अगर आप पंजाब वगैरह या हरियाणा वगैरह से हैं तो चंडीगढ़ में कोई सेंटर नहीं बना है, सीधा न्यू दिल्ली में बना है। तो अगर आप इतनी दूर जा सकते हैं, इतना ट्रैवल कर सकते हैं तो ही अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कि आप इतना ट्रैवल नहीं करेंगे एक पेपर के लिए तो प्लीज़, वैसे मैं कहूँगा प्लीज़ अप्लाई करें, पेपर बहुत आसान होता है, इट इज़ अबाउट योर करियर। अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं बड़ी सिटीज़ की तरफ या जहाँ पे देखिए जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ पे अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए।
एप्लीकेशन डेट्स बता दी, और सैलरी पैकेज है 25,000, जो अपर डिवीजन क्लर्क है उनका 25,000 है, राइट। तो एक पीओ की सैलरी से ज़्यादा ये बेसिक पे है, राइट। तो चलिए आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न, ये एक्चुअली मुझे ये पिछली जो चीज़ें हैं इनके बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, एग्जाम पैटर्न के बारे में ही ज़्यादा बात करनी चाहिए, तो उसी के बारे में करेंगे बात आज। तो जनरल अवेयरनेस देखिए, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था और इस टाइम भी एग्जाम पैटर्न सेम ही होने वाला है। जनरल इंग्लिश के 23 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के 23 क्वेश्चन थे, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी था, 3 मार्क ईच, सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क के थे ये, और नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड जनरल नॉलेज देख लीजिए, 23 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 23 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, अरिथमेटिक के 23 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 13 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी के 8 क्वेश्चन, राइट। तो 10 क्वेश्चन जो थे, 3 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के, राइट। तो चलिए बात करते हैं अभी जो एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर का, इस ईयर का थोड़ा सा लास्ट ईयर का जो पैटर्न था उसमें मैक्सिमम क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें तो 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, तो 7-8 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। अगर आपने जीके डाइजेस्ट पिछले 6 महीने का पढ़ा हुआ है, 6 मंथ्स का आपने जीके डाइजेस्ट अगर पढ़ रखा है, जीके डाइजेस्ट की आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पढ़ते हैं और जीके डाइजेस्ट अपने मंथली कैप्सूल जो है वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आप आराम से 7-8 मार्क ले लेंगे। पेपर बहुत आसान आता है, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके से। बेसिकली लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था थर्मल पावर पॉइंट, ये वाला थर्मल पावर पॉइंट कहाँ पे है, फोक डांसेस के, जो क्लासिकल डांसेस के बारे में आया था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। साइंस के बारे में 3-4 क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे और 2-3 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आए थे। और ये हिस्ट्री जो थी वो ज़्यादा इतनी आप ओल्ड हिस्ट्री में मत जाएं, बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आए थे। पेपर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो प्लीज़ डाउनलोड करें। इंग्लिश का पेपर भी बहुत आसान था, कोई आरसी नहीं थी लास्ट ईयर, कोई आरसी नहीं थी, नो आरसी, नो पैरा जंबल, सिंपल 3 जो क्वेश्चन थे वो आए थे आपके सेनोनिम एंटोनिम से, वोकैब से 3 क्वेश्चन आए थे, या इनके एक फ्रेज था, एक सेनोनिम था, एक एंटोनिम था, 3 क्वेश्चन आए थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 5 एरर स्पॉटिंग थे और नरेशन था 5 क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा पेपर था, 23 क्वेश्चन थे, मतलब जो स्टूडेंट SBI PO तक की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत आसान था। अगर इसमें आप कहें कितने क्वेश्चन थे टोटल, आप देख लीजिए, अगर ये जो पेपर है मैं कहता हूँ इस पे आप आसानी से, आप अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं 85% मार्क आप ले आएंगे। तो आगे बात करते हैं इंग्लिश के बाद अरिथमेटिक की। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, लास्ट ईयर कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आया था, ये एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है कि लास्ट ईयर कोई डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का नाम अरिथमेटिक है ना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो एक सिंपलीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी वही चांसेस हैं। ज्योमेट्री जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 आए थे, मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और यहाँ पे सीरीज लास्ट ईयर नहीं आई थी लेकिन इस साल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेशियोज, एवरेजेस, परसेंटेजेस और अरिथमेटिक के जो नॉर्मल चैप्टर्स हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो हैं अब देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन जो हैं इनमें से ज़रूर आएंगे, राइट। और देख लीजिए कितने टोटल क्वेश्चन से, इसमें टोटल आने हैं 23 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हो गए, 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 3-4 क्वेश्चन ये रेशियोज, एवरेज, परसेंटेजेस, ऐसे जो चैप्टर्स हैं इसमें से 3-4 क्वेश्चन हो गए। फिर आपके सीरीज में से लगा लीजिए 2-3, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं इस बार, और अरिथमेटिक में से टोटल लगा लीजिए, बाकी के कोई चैप्टर्स अगर मैंने मिस किए हैं तो टोटल 7-8 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, और एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही उसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में ऐसे जो चैप्टर्स हैं इसमें से ज़रूर आएंगे। तो देखिए इतना सा ही सिलेबस है, DI जो है वो पार्ट नहीं है, DS डेटा सफिशिएंसी जो है वो भी इसका पार्ट नहीं है सिलेबस का। तो बहुत आसान सा पेपर आता है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये टोटल 2 घंटे का पेपर था, जो पिछले साल 17 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था, टोटल ये देख लीजिए सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हुआ था, 3 घंटे का टोटल पेपर हो गया, 3 घंटे दिए गए थे टोटल इस पेपर के लिए, और ये ऑफलाइन पेपर हुआ था लास्ट ईयर ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, 3 घंटे का टोटल पेपर था ये।
नो DI, नो डेटा सफिशिएंसी। रीजनिंग में भी आप कह लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी पिछले 6-7 महीने से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ये जो पुरानी बुक्स वाले मिरर इमेजेस वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं इन्होंने देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि नए पेपर्स में ये नहीं आता। जबकि पुराने अगर आप SSC के पेपर उठा के देखेंगे उसमें ये मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस बहुत होते हैं, राइट। आप इनका पेपर एक देख लीजिएगा इसरो का, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप प्लीज़ वो क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं। अगर आप नहीं पास होंगे तो उसका रीज़न ये मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि इस ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ब्लड रिलेशन बहुत आसान होते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में से आते हैं। पजल्स जो है, बड़ी बड़ी पजल्स जो बिल्कुल नहीं आती, लास्ट ईयर इसमें से पेपर नहीं आया था, लेकिन आपने तैयारी तो कर रखी है, हो सकता है इस बार इसमें से 0-5 इनमें से आ जाए। लास्ट ईयर कोई पेपर नहीं आया था इसमें से। अल्फाबेटिकल सीरीज इसमें से आप कह सकते हैं 0-5 मार्क, लास्ट ईयर तो आया था। क्लॉक्स एंड कैलेंडर इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगा लें। इनक्वालिटीज़ में से आप कह लीजिए 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। साइलॉग में से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 वैसे कह लीजिए 0-4 ही लगाइए, कुछ कह नहीं सकते इसमें से इनमें से आएंगे क्या नहीं आएंगे। वैसे टोटल तो इसमें से सिर्फ 13 क्वेश्चन ही आने हैं, तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट ईयर भी नहीं आए, इस साल भी कुछ सरप्राइज होने का लगता नहीं है चांस ज़्यादा कुछ है। 13 क्वेश्चन आने हैं, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और कैलेंडर में से आएंगे। और इनमें मतलब कह लीजिए कि बहुत चांसेस कम है कि लंबे लंबे क्वेश्चन जो आते हैं IBPS PO SBI PO में, जो पजल्स सेटिंग अरेंजमेंट लंबे लंबे आते हैं, वो आने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया। और इस साल भी जो इसरो ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है उसमें खुद उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि ये देखिए ये हमारा पिछले साल का पेपर है, इस साल भी हम ऐसा ही पेपर डालने वाले हैं। मतलब अगर उन्होंने बिल्कुल ही ड्रास्टिकल चेंज करना होता बिल्कुल अपना पेपर, तो वो पिछले साल का लिंक ही ना डालते। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का पेपर भी बहुत आसान था। कुछ यहाँ पे IBPS PO से क्या डिफरेंट है कि DBMS वगैरह के बारे में कोई कुछ नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल MS ऑफिस के बारे में, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं IT में, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बेसिक से क्वेश्चन इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वही 1-2 क्वेश्चन, ये देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे भी आते नहीं, आई थिंक 8 क्वेश्चन इसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें से आते ही नहीं है। MS ऑफिस सूट में से आप कह लीजिए 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन 2-3 विंडोज़ में से, इंटरनेट टर्म्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजी इकट्ठा कर दीजिए, 3-4 क्वेश्चन टोटल इसमें से, मतलब 1-2 क्वेश्चन 0-3-4 क्वेश्चन यहाँ से लगा लीजिए और ये दोनों इकट्ठे थे, तो ये टोटल मिला के आप कह लीजिए जो है 8 मार्क का ये बनता है, राइट। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में कुछ पेपर में लिखा ही नहीं हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है, उन्होंने बस इतना अपना लास्ट ईयर का पेपर दे दिया और उन्होंने बता दिया जी हमारा ऐसा पेपर आएगा और ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। कुछ भी उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ वगैरह नहीं दी, लास्ट ईयर की कट ऑफ कुछ एक्सप्लेन नहीं की है। इतना ज़्यादा बड़ा पेपर है नहीं है, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा कोई भी ऑनलाइन साइट या ब्लॉग इस पर ज़्यादा लिख नहीं रहा है, किसी ने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी है। लेकिन अच्छी खासी पोस्ट हैं इस पर, आप ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल वैसे भी पोस्ट बहुत कम हो गई हैं बाकी के पेपर्स में, इसमें अच्छी खासी पोस्ट आई हैं, राइट। 313 वैकेंसीज इसमें आई हैं एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला जो पेपर है इस जो रिक्रूटमेंट में बिल्कुल अप्लाई कीजिए। 313 पोस्ट हैं तो सब में अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव की वैसे मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ वीडियो। इंग्लिश के ऐसे राइटिंग में क्वेश्चन आ जाता है, लेटर राइटिंग में वैसे लास्ट ईयर नहीं आया था लेकिन आ सकता है इस बार, और पिछले साल ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ये पैराग्राफ है इसका टाइटल लिखें, इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है। IBPS और SBI के पेपर में ऐसा होता है कि एक RC दी होती है और उसका टाइटल पूछते हैं, वो 1 मार्क का होता है। इसमें ये सीधा ही मतलब 3-3, 4-4 मार्क जो है ये सिर्फ एक टाइटल लिखने के दे रहे हैं। टाइटल आ सकता है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, अगर आप कह लीजिए सरप्राइज फैक्टर हुआ तो प्रेसी आ सकती है, प्रेसीज राइटिंग आ सकती है, या आप कह लीजिए कि मैक्स से मैक्स अगर आप मैक्सिमम सोचें पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है, या इससे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं सकता, इससे ज़्यादा सरप्राइज होगा नहीं, क्योंकि पिछले मैंने 2-3 पेपर इनके देखे हैं इसरो के, तो कुछ ज़्यादा सरप्राइज नहीं देते ये, बहुत पेपर आसान है इनका।
मैक्सिमम अगर आप फंसेंगे, अगर आप SBI IBPS की तैयारी कर रहे हैं, आई होप डिस्क्रिप्टिव आपका थोड़ा ठीक होगा। अगर आपको फंसेंगे, आप थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपका सॉलिड होगा। अगर आप थोड़े से फंसेंगे तो आप यहाँ फंसेंगे, मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चंस आपको शायद नहीं आते होंगे, क्योंकि ये पुराने टाइम में आते थे, आजकल नहीं आते। एक तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर आप IBPS SBI की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अच्छे से कह लीजिए आप प्री के पेपर में 45-50 मार्क ले रहे हैं, तो आपने बस इतना एक्स्ट्रा करना है कि मिरर इमेजेस वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो पुराने टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो ढूंढ के वो करिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये वाले चैप्टर नहीं करे हुए हैं, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करी हुई ज्योमेट्री, तो ये ज़रूर करिए। अरिथमेटिक में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इंग्लिश में कुछ खास डिफरेंट नहीं है। कई स्टूडेंट्स ने नरेशन या वॉइस वगैरह नहीं करी होती, यहाँ पर आप फंस सकते हैं, ये ज़रूर करिए। करंट अफेयर्स इसमें, जनरल अवेयरनेस में थोड़े से ज़रूर फंसेंगे। ये साइंस पॉलिटी हिस्ट्री आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। SSC जो तैयारी कर रहे हैं SSC की, उन्होंने तो ये सारा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये साइंस पॉलिटी और हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। SSC की तैयारी करने वालों के लिए पेपर बिल्कुल आसान है, लेकिन बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है जनरल अवेयरनेस। और क्वांट में आप कह लीजिए, आपको बता चुका हूँ, क्वांट में आपने शायद ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, तो पढ़ लीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले थोड़े से टाइम में मैं ज्योमेट्री के बेसिक सेशन ज़रूर करवाऊंगा, बेसिक बेसिक से ज्योमेट्री कराऊंगा, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है सारे थ्योरम्स और प्रिंसिपल्स सभी कुछ करवाएंगे। यहाँ पे साइंस पॉलिटी और हिस्ट्री, इसके मैं नोट्स शेयर कर दूंगा ज़रूर, इसके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, और इट्स के नोट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाले जो नोट्स हैं। वैसे तो इन सभी के जो नोट्स हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, साइंस पॉलिटी हिस्ट्री सभी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड इंग्लिश के भी नोट्स, वैसे सारे नोट्स के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो नीचे कॉमेंट कीजिए, राइट, कमेंट कर लीजिए नीचे। तो आपको पता ही है, जैसे कि अगर आप एक्टिव है इस चैनल पे, तो आपको पता होगा कि हम रेगुलर बेसिस पे सभी के सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसरो के रिलेटेड, IBPS PO के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, सेशंस हैं, नोट्स हैं, ये सब आपको मिलते रहेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने टेलीग्राम का एक जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, ये मैंने अभी अभी शुरू किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरू किया है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, t.me/bankexamstoday। आज मैंने ये चैनल बनाया है, कोशिश करूंगा एक दो दिन में जो ग्रुप है वो भी बनाऊं, पहले मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इस पर मैं रेगुलरली अभी एक्टिव रहूंगा, शाम को मैंने सोच लिया है रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है एक ग्रुप बनाएंगे, उस पर हम बातचीत भी करेंगे। एंड इस पर कोई भी आपको वीडियोस मैं बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो आपसे कांटेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो या तो हम सीधी वीडियो बना सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए, उस पर वीडियो बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्या वीडियो बनाए, PDF बनाइए ना, तो ये लीजिए PDF, होना तो यही चाहिए, बट यूट्यूब में ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट तो ये टेलीग्राम का एक चैनल है, t.me/bankexamstoday.com, इस पे जाइए। अगर आप अपने फ़ोन से, एंड्रॉयड या एप्पल, आपके पास कोई भी फ़ोन है, अपने फ़ोन से ये वाले लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा। एंड प्लीज़ चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब का बटन दबाना, यहाँ पे होगा आपका बटन सब्सक्राइब का। और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँगा, अगर मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँगा तो मैं और ज़्यादा सेशन जो है दिन में 3-4 सेशन भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे कॉमेंट कीजिए।